आइए मेरे प्यारे, रब तबारका व ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया है सैयदी सरकार साबिर अलाउद्दीन कलियरी है। हजरात, आपकी बारगाह में शमशुद्दीन पानीपति हाजिर है। मेरे प्यारे, जब शमशुद्दीन पानीपति हाजिर है, सैयदी सरकार साबिर अलाउद्दीन कलियरी फरमाती है, बेटा तुम्हें पानीपत की सरजमीन पर पहुंचना है और पानीपत की सरजमीन को आबाद करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बुजुर्ग की जबान से निकले हुए अल्फाज थे, रब की बारगाह में मकबूल होने थे। रब तबारका व तआला की बारगाह में ये अल्फाज मकबूल होने थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, शमशुद्दीन पानीपति अर्ज करते हैं, हुजूर वहां पर तो बुजुर्गान दीन है, हुजूर मैं कैसे जाऊंगा और उनके सामने मैं क्या करूंगा। अल्लाहु अकबर, सैयदना साबिर अलाउद्दीन कलियरी फरमाते हैं, बेटा जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारा ही बोलबाला होगा, तुम ही वहां पर होगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयद साबिर अलाउद्दीन कलियरी रदी अल्लाह ताला अन्हु शमशुद्दीन पानीपति रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेज देते हैं। उसी जमाने के अंदर हजरत एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, उसी जंग के अंदर एक बादशाह, उसमें कई दिनों से लड़ाई चल रही है लेकिन कामयाबी का कोई मंजिल उसमें नजर नहीं आ रही, कामयाबी का रास्ता उसमें नजर नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा किसी शख्स ने कहा कि जाओ, अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम फला पाओ, तुम बहादुर कहलाओ, तो एक मर्तबा ऐसा करना जब रात की तारीकी में तुम अपने मकाम से जब कूच करो, अपने उससे खेमे से निकलना और निकलने के बाद में अपने तमाम साथियों के, अपने यारों के, अपने मददगारों के देखना, उनके खेमों में जाना और देखना जिसका चराग जल रहा हो उसके पास पहुंच जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके पास पहुंच जाना, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें बुलंदी मिल जाएगी, तुम कामयाब हो, कामरान हो जाओगे, तुम फला पा जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो बादशाह अपने मकाम से उठता है रात की तारीकी में, सारे लोग आराम कर रहे हैं, सबके चराग बुझे हुए हैं, सबके खेमों को देखा और रास्ते में देखते देखते एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि उस मकाम पर एक चराग चल रहा है, हवाएं चल रही हैं लेकिन उसका चराग जल रहा है और वो उसके सामने बैठा हुआ कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। जब निगाह से निगाह मिली तो कहा कि हुजूर करम फरमा दीजिए, कई दिनों से जंग चल रही है लेकिन इसका कोई मुकम्मल सामना हमें नजर नहीं आ रहा है, इसका मुकम्मल कोई कारवा हमें नजर नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात, जब उन्होंने इतना सुना, कहा कि जंग का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। शमशुद्दीन पानीपति रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारजार में जब हजरत जब लेकर के जब गए, हजरत लंबरदार को उनके हाथ में दे दिया गया। शमशुद्दीन पानीपति रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत रब्बे काबा ने वो ताकत दी कि इनके जरियों से कामयाबी मिल गई, उसे कामरानी मिल गई। अब तमाम लोग खुशियों में चूर हैं, तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे शमशुद्दीन पानीपति रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसुओं के कतरात जारी है, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। शमशुद्दीन पानीपति रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये कैफियत लोगों ने देखा, साथियों ने ये हालत देखी, आपके दोस्तों ने ये कैफियत देखी, तो पूछा है शमशुद्दीन पानीपति, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आज तो तुम्हें मसरूर होना चाहिए, आज तो तुम्हें मुबारकबादी दूसरे को पेश करना चाहिए, लेकिन तुम गमकीन क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो। शमशुद्दीन पानीपति रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि मेरे मामला ये है, इसलिए कि मेरे पीर ने कहा था कि बेटा जिस दिन तुम्हारा राज खुल जाएगा तो समझ लेना कि वो तुम्हारे पीर का उस दिन विसाल हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज मेरा राज खुल गया है, मुझे कामयाबी तुम्हें मिल गई है, लेकिन मेरे पीर ने दुनिया को छोड़ दिया है, दुनिया को खैराबाद कह दिया है, दुनिया से वफात पा गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शमशुद्दीन पानीपति रदी अल्लाह ताला उस मकाम पर पहुंच जाती है, हजरत कलियर की सरजमीन पर पहुंच गए। शमशुद्दीन पानीपति रदी अल्लाह ताला ने मुफस्सिरीन फरमाती है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आपने गुस्ल दिया, हजरत गुस्ल देने के बाद जब दफन को तैयार कर दिया गया तो शमशुद्दीन पानीपति रजी अल्लाह ताला ने आपने ऐलान कर दिया था कि हजरत जिस शख्स के अंदर ये शर्तें पाई जाती हो वो शख्स मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, जिस शख्स की कभी तहज्जुद की नमाज कजा ना हुई हो वो इंसान मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, और वो इंसान जिसने कभी असर की सुन्नतें ना छूटी हो वो इंसान मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, और जिसकी कभी तकबीर अवला फोत ना हुई
वो इंसान मेरी नमाज जनाजा पढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मजमे में कैफियत तारी है, सब लोग एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं, किसी के आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। अचानक एक शख्स सफेद लिबास में घोड़े पर सवार होकर के आया और मुसल्ले पे पहुंच गया, नमाज जनाजा अदा कराई। हजरात तमाम जमाने ने देखा कि वो बुजुर्ग अपने घोड़े पर सवार हुआ। शमशुद्दीन पानीपति रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मकाम पर खड़े हुए हैं, उस जगह पर खड़े हैं कि हजरात जहां पर वो पेड़ खड़ा हुआ है, हजरत गुलर का पेड़ है, उसी सरजमीन पर आप पूछ लेते हैं, इसलिए कि आपने जिंदगी में एक मर्तबा कहा था कि हुजूर मुझे ये बताइए कि फना क्या होती है, बका क्या होती है। सैयद साबिर अलाउद्दीन कलियरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा पड़ा हुआ है। हजरत जब उन बुजुर्ग को जाते हुए देखा तो दामन थाम लिया, कहा हुजूर आप कौन है? कहा मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं साबिर अलाउद्दीन कलियरी हूँ। कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये फना है और ये बका है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस फना और बका की बात करते हैं हजरत, वो फना और बका यही है। इसलिए किसी ने कहा मर कभी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं और दरे कलियर पे पोल पड़े कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मकाम रब काबा ने उन लोगों को दिया है जिन रब की रजा हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा है, रब की इताअत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। कभी इन्होंने हराम लुक्मे को अपनी जबान से तर नहीं किया है, कभी इनकी जबान से झूठ अदा नहीं हुआ है, कभी रब तबारक व तआला की नाफरमानी में इन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है। इसलिए मेरे प्यारे रब की इताअत में मशगूल हो जाएं, रब तबारक व तआला की रजा हासिल कर लें, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद लहद में भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह अल अजीज हश्र के मैदान में